Assalamu alaikum everyone, I hope you guys are doing well. In this video lecture, I'll be discussing with you guys exercise 6.1 question number 6 and question number 7. Question number 6 के अंदर हमें इन्होंने कहा है which term of the sequence is minus 3. एक हमें arithmetic progression दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से minus 3 से continue हो रहा है और आगे तक जा रहा है, ठीक है. हमें दिया हुआ है which term of the sequence is 75. पहले पार्ट में इन्होंने हमें 75 दिया हुआ है, इसका मतलब है tn जो हमें दिया हुआ है वो 75 दिया हुआ है, हमें निकालना है n निकालना है, ठीक है. a मेरे पास क्या है, माइनस 3 है, और d मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 माइनस माइनस 3 6 आ जाएगा. tn हम लोगों के पास फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d का, तो tn की जगह मेरे पास 75 आ गया, a की जगह मेरे पास माइनस 3 आ गया, प्लस n माइनस 1 d की जगह हमने 6 लगा दी. सिंप्लीफाई इसको करेंगे, 75 इक्वल्स टू माइनस 3, 6 जो है अंदर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6n माइनस 6. तो 75 प्लस 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 6n हो जाएगा. n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करके 14 आ जाएगी, ठीक है, n मेरे पास 14 आ जाएगा. इसके पार्ट टू में हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, पार्ट टू में हमें tn की वैल्यू जो दी हुई है वो 6m माइनस 15 दी हुई है, ठीक है. तो अब जब मैं पार्ट टू करूँगी तो अब उसके हाँ उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 6 टी एन को हम लोग 6m माइनस 5 कर देंगे. तो अगेन हमारे पास जो a और d था वो तो वही रहेगा. इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए a मेरे पास माइनस 3 था और d मेरे पास था 6 था, और मुझे निकालना क्या है, n निकालना है, ठीक है. फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इस पर, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, 6m माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस एन माइनस 1 डी की जगह 6 लगा दिया, ठीक है. ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 6m माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 6n माइनस 6. हमें यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो 6m माइनस 15 प्लस 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 6n. आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, जब हम लोग इन सब को सॉल्व करेंगे मेरे पास आ जाएगा 6m माइनस 6 इक्वल्स टू 6n. 6 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, m माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू ये 6n है, एंड n से कैंसिल आउट हो जाएगा, n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, m माइनस 1 आ जाएगी. दिस इज़ गोइंग टू बी द सोल्यूशन. अच्छा, अब जो सेकेंड सेवन्थ क्वेश्चन है इसका, उसके अंदर इन्होंने हमें क्या कहा हुआ है, द सेकेंड 31st एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 31/4, 1/2 एंड -13/2. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें क्या निकालना है, हमें इन्होंने दिए हुए हैं T2 दिया हुआ है, T31st दिया हुआ है, और टी जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो लेक्चर में भी कहा था, अगर लास्ट टर्म उन्होंने कही होती तो वो हमारे पास TN हो जाती है, और हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब है हमें n निकालना है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है n, ये क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं, हमें निकालना है n, ठीक है. हमें दिया हुआ है सेकेंड T2 इक्वल्स टू 31/4, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है 31st यानी T31 हमें दिया हुआ है 1/2, और तीसरा हमें TN दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है हमें -13/2, सही है. अब देखो, अब मैं हम फॉर्मूला तो मैं अप्लाई करूँगी TN इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का, ठीक है. TN की जगह अगर मैं T2 कर रही हूँ तो इसका मतलब T2 की केस के लिए तो मेरे पास हो जाएगा ए प्लस 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है, तो ए प्लस डी हो गया, क्योंकि एन को भी मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया ना दोनों जगह, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो डी आ गया. अब T2 की जगह मैंने उसकी वैल्यू प्लेस कर दी जो हमें इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया, 31/4 इक्वल्स टू ए प्लस डी, सही है. इसी तरह हम लोग T31 के लिए भी ऐसे ही करेंगे. सेकेंड ये मेरे पास बन गई पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन बनाऊंगी मैं T31 के लिए. T31 मेरे पास हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 के, अब देखो मेरे पास n जो है वो रिप्लेस हो जाता है, जो यहाँ n होता है वो यहाँ n होता है. अगर जैसे यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे n की वैल्यू मैंने 2 माइनस 1 करके d कर दी थी, इसी तरह
एन माइनस वन अगर 30 है मेरे पास तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 31 के लिए 30 हो जाएगा, ए प्लस 30 बी हो जाएगा। तो 30, 31 की वैल्यू हमें हाफ दी हुई है, हाफ ई हो टू ए प्लस 30 बी हो गया। इतना तो आप लोगों को यहाँ से समझ में आ जाएगा कि अब ये हमारे पास जो आ गई ये इक्वेशन 2 आ गई। अब देखो, अब हम लोगों को इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है ताकि मेरे पास कोई एक को दोनों में से एक निकल आए। दो अननोन है, दो इक्वेशंस है, हमारे पास ए की वैल्यू निकल आएगी और डी की भी निकल आएगी। तो पहले तो मैं इन दो को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालती हूँ, फिर मैं इसकी तरफ आऊँगी, सही है। अब देखो, मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करा दूँ। सबट्रैक्ट कराने का मतलब ये है कि अगर मैं दो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करा रही हूँ तो उसका मतलब है उसके राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कराऊंगी सब्ट्रैक्ट और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कराऊंगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ये कहूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करा रही हूँ। अब इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस 30 डी, और इस इक्वेशन सॉरी राइट हैंड साइड, और इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड हमारे पास ए प्लस डी है, यानी माइनस ए प्लस डी इक्वल्स टू, अब लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ माइनस 31 अपॉन 4। सिंप्लीफाई करेंगे, ए प्लस 30 डी माइनस ए माइनस डी हाफ माइनस 31 अपॉन, क्या इसको यूँ कर दो, दोनों साइड छोड़ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या चलो अभी ऐसे लिख देते हैं 31 अपॉन 4, ठीक है। अब मैं इस साइड को मैं रब कर देती हूँ बिकॉज ये आप लोगों को सबको पता है ये क्या हुआ है, ए माइनस ए मेरे पास से कैंसिल हो जाएगा, 30 माइनस डी मेरे पास क्या हो जाएगा 29, 29 डी इक्वल्स टू, ये मेरे पास क्या हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर जो सेम कर देते हैं 2 माइनस 31 अपॉन 4। डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो ये डी है ना, मुझे यहाँ से डी निकालना है, यहाँ पे 29 जो है डी मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन 29 2 माइनस 31 अपॉन 4, ठीक है। कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई कर लें आप लोग, डी की वैल्यू मेरे पास माइनस 1 अपॉन 4 आ गई। अब इस तरह अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस जो फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने अभी रखी है और ये जो सेकेंड इक्वेशन है जो मैं ये लिखी हुई है, दोनों में से किसी में भी प्लग इन करूँगी और मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। किस तरीके से, अगर मैं ए की वैल्यू निकाली, जो फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने बनाई थी वो मैंने बनाई थी ए प्लस डी इक्वल्स टू 31 अपॉन 4, तो अगर मैं इसमें से ए की वैल्यू निकालनी है ए इक्वल्स टू 31 अपॉन 4, डी यहाँ पे ऐड हो रहा है राइट हैंड साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा माइनस, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी डी की वैल्यू नेगेटिव है, या यू कर दो माइनस 1 अपॉन 4 कर दो, ठीक है। सिंप्लीफाई इसको करेंगे आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, क्योंकि 31 प्लस 1 32 हो जाएगा, 4 जो 32, ए की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, डी की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 4 आ गई, ए की वैल्यू 8 आ गई। अब हमने क्या करना है, सिर्फ tn वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, यहाँ लिख देते हम डी की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 4 और आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई है, 8 आ गई है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ डी की वैल्यूज़ को इसके अंदर ये tn की फार्मूला अब हम ये अप्लाई करेंगे और उसमें से a और d की वैल्यूज़ को प्लग इन करना है और t और जो है ना नंबर ऑफ़ टर्म्स जो उन्होंने कैलकुलेट करने को कहा था n, वो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो मेरे पास tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी होता है, a की जगह मैंने tn की जगह मैंने लीजिए माइनस 13 अपॉन 2 इक्वल्स टू a की जगह 8 प्लस एन माइनस 1 और d की जगह माइनस 1 अपॉन 4, माइनस 13 अपॉन 2 इक्वल्स टू 8, माइनस 1 अपॉन 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 अपॉन 4 एन प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 4 एन, प्लस 1 अपॉन 4 आ गया। एन को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 एन और बाकी चीज़ें मैं इधर रहने दूँ 1 अपॉन 4 प्लस 8 और प्लस 13 अपॉन 2, ठीक है। एन को आप सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 59 आ जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन।
यहाँ मेरे पास ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसी एक्सरसाइज के मजीद और पार्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। फॉर एनी क्यूरियस डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।